जफर सुपारी। जफर सुपारी का ताल्लुक रावलपिंडी से है। जफर सुपारी सोशल मीडिया पर अपना सोना पहनने की वजह से काफी मशहूर हैं। वैसे तो इनके ऐसे माफिया वाले काम नहीं है, पर इनके अंडरवर्ल्ड से करीबी ताल्लुकात होने की वजह से हम इन्हें अपनी लिस्ट पर नंबर 10 पर रखते हैं। नंबर 9 पे है आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर कहने को तो एक पुलिस वाला था, लेकिन दरअसल वो लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन था। कहा जाता है कि इसने स्टेज एक्ट्रेस नरगिस के बाल काटे थे। आबिद बॉक्सर के क्राइम में 50 से ज्यादा फेक इनकाउंटर्स और मर्डर्स शामिल हैं। आबिद बॉक्सर ने बहुत से मुखालफीन को फेक इनकाउंटर्स में कत्ल किया। इसको काफी बासर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट है। इस वक्त आबिद बॉक्सर मुल्क से फरार है। नंबर 8 पे है गोगी भट्ट। गोगी भट्ट का असली नाम ख्वाजा अकील है और इनका ताल्लुक लाहौर गवाल मंडी से है। इनके ऊपर मर्डर लैंड ग्रैबिंग के इल्जाम शामिल है। लाहौर में गोगी भट्ट का बहुत असर रसूख है। लाहौर गवाल मंडी की गैंग वॉर्स में गोगी भट्ट का नाम काफी मशहूर है। गोगी भट्ट को भी लोकल बासर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल है। नंबर 7 पे है टीपू ट्रकावाला। टीपू ट्रकावाला का असली नाम आरिफ अमीर भट्ट था, जो अंडरवर्ल्ड डॉन बिल्ला ट्रकावाला का बेटा था। टीपू के क्राइम्स में लैंड ग्रैबिंग, मर्डर, गैंग वॉर्स शामिल हैं। टीपू ने अपने मुखालिफ गैंग्स के काफी लोग फेक इनकाउंटर्स में कत्ल करवाए, जिसके बाद टीपू को लाहौर एयरपोर्ट के बाहर कत्ल करा दिया गया। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट पर टीपू के कत्ल का इल्जाम लगा। टीपू को भी लोकल बासर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल थी। नंबर 6 पे है ताजी खोकर। पिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले हर शख्स ने ताजी खोकर का नाम जरूर सुना होगा। ताजी खोकर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोकर के छोटे भाई हैं। ताजी खोकर का नाम लैंड ग्रैबिंग के हवाले से मशहूर है। ताजी खोकर को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, इतनी की आसिफ जरदारी ने ताजी खोकर के बेटे को तोहफतन गोल्ड गन दी। ताजी खोकर को रिसेंटली कोर्ट से मर्डर केस में बेल मिली है। नंबर 5 पे है सेठ आबिद। सेठ आबिद का शुमार पाकिस्तान की पुरस्कार तरीन शख्सियात में से होता है। जाहिर तो ये बिजनेसमैन थे, पर इनका नाम ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग के साथ जोड़ा जाता है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। रिसेंटली इनके एक बेटे को लाहौर में कत्ल किया गया। कुछ ऐसे वाकयात हैं जो इनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं, जिनकी सच्चाई का आज तक किसी को इल्म तो नहीं, पर आज तक किसी ने इनकी तर्दीद नहीं की। जब अमेरिकन हुकूमत ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट देने पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट बैरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। दूसरा वाकया तब पेश आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और भुट्टो के दौर में ही पीपल्स पार्टी के फंड के लिए सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपया मांगा गया, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस पर भुट्टो ने इनकी गिरफ्तारी मारने के लिए हुक्म दिया, पर वो गिरफ्तार ना हो सके, जिस पर भुट्टो ने इनकी इकलौती बेटी नुसरत शहीन को गिरफ्तार करने के लिए फौजी ट्रक भेजे। जब सेठ आबिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने लंदन में पढ़ रही बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया। बहरहाल भुट्टो और सेठ आबिद के समझौते के बाद नुसरत शहीन और बेनजीर भुट्टो को रहा कर दिया गया। सेठ आबिद के नाम के साथ कत्लो गारत तो नहीं जोड़ी जा सकती। जितना उनके बारे में इल्म है, मालूम होता है कि वो सिर्फ एक हाई लेवल स्मगलर थे। नंबर 4 पे है नूरीनाथ। नूरीनाथ का नाम नूरुद्दीन था, जिनका शुमार पाकिस्तान बनने के दौर में अंडरवर्ल्ड से था। इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि ये इंडिया से स्मगलिंग करते थे। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के दौरान बहुत से सिख और हिंदू मारने में नूरीनाथ का नाम इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की मशहूर फिल्म सीक्वल मौला जट का विलन का कैरेक्टर भी इन्हीं के नाम, हिस्ट्री और कैरेक्टर से जुड़ा है। नंबर 3 पे है जग्गा गुजर। जग्गा गुजर लाहौर के मशहूर तरीन डॉन माफिया में से थे। वर्ड जगह टैक्स इन्हीं के नाम से मशहूर है। 1960s और 70s के वक्त में लाहौर की काफी मार्केट्स जगह को जगह टैक्स देती थी। इनके क्राइम्स में गैंग वॉर्स, भट्टा और मर्डर्स शामिल हैं। जगह का टेरर टैकल करने के लिए उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान ने नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान के जरिए गुंडा एक्ट 1968 लगाया। जगह को पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया गया। नंबर 2 पे है उजैर बलोच। उजैर बलोच लियारी का नोटोरियस क्राइम लॉर्ड और पीपल्स अमन कमेटी का सदर था। उजैर ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने बाप के कत्ल के बाद कदम रखा। उजैर के बाप को अरशद पप्पू नामी गैंगस्टर ने अगवा कर कत्ल किया। उजैर ने अपने कजन रहमान डकैत के साथ मिलकर अपने बाप के कातिल को कत्ल किया और उसके सर को लियारी में फेंका और आग लगाई। रहमान डकैत के इनकाउंटर के बाद उजैर बलोच ने उसके गैंग को टेक ओवर किया। उजैर बलोच के क्राइम में 100 से ज्यादा एक्सटॉर्शन, पुलिस वाले और मुखालिफ गैंग मेंबर्स को टारगेट किलिंग करना, जमीनों के कब्जे,
اغوا برائے توان اور ایران کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان آرمی کی خفیہ معلومات دینا شامل ہیں. 29 دسمبر 2015 کو انٹرپول نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا. ہماری لسٹ کے نمبر ون پر ہے الطاف حسین. مافیا کا ذکر ہو اور الطاف بھائی کا نام نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گینگ وارز، گینگ کلنگز، ڈرگز، ویپن سمگلنگ، بھتا خوری، اغوا برائے توان، ٹارگٹ کلنگ ان کے پورٹ فولیو میں شامل ہیں. لگ بھگ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو کراچی میں ان کے دور میں قتل کیا گیا جن میں سے بیشتر ان کے مخالف اور عام لوگ تھے. 1992 کے کراچی آپریشن کے بعد الطاف حسین ملک چھوڑ کر بھاگ گیا پر اپنا کام نہیں چھوڑا. 2014 اور 2016 کراچی آپریشن کے دوران اتنا اسلحہ نکلا کہ تقریباً آرمی کی ایک بریگیڈ کو بزی کرنے کے لیے کافی تھا. الطاف حسین کو را اور پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے. 2014 سے ابھی تک جو رینجرز نے آپریشن کیا ہے اس میں الطاف حسین کا پورا ملک دشمن نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. ان سب کی ہسٹری، لائف اور اینڈ دیکھ کر ایک چیز تو کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی لائف موویز اور دکھنے میں تو بہت اچھی لگ سکتی ہے پر اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ اس کام میں آ کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور اکثر کہیں نہ کہیں اپنے دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں.